बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, मी समरा रशीद, योर साइंस टीचर हेयर इन BFC नुशैर अफरोज। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव कम्प्लीटेड यूनिट 8 इन प्रीवियस लेक्चर, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 9, सिंपल मशीन्स। ओके, सो लेट स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर। बेटा, मशीन किसे कहते हैं? मशीन जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं और डिफरेंट काम करती हैं, और मशीन जो होती हैं वो हमारे काम को आसान करती हैं। ओके, मशीन से हम अपना काम बहुत जल्दी कर सकते हैं और इजी से कर सकते हैं। ओके, इन साइंस वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग। सिंपल मशीन आर यूज्ड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट बाय लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग एंड रोलिंग देम। बेटा, साइंस में वर्क का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। वर्क किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ पे फोर्स लगती है और वो चीज़ मूव करती है और वो थिंग मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क। जैसे कि बेटा, जैसे कि ये एक ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, ओके, अगर इसको मैं पुश कर रही हूँ और ये मूव करेगा यहाँ पर, तो ये क्या मैंने किया? वर्क किया। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, ओके, अगर हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। ओके, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो वो वर्क नहीं होगा। वर्क किसको कहते हैं? जब हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क। ओके, सिंपल मशीन आर यूज्ड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि बहुत सी सिंपल मशीन होती हैं और वो किस में मदद देती हैं? ऑब्जेक्ट को मूव करने में, जस्ट लाइक लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग एंड रोलिंग। ओके, नेक्स्ट इज मशीन। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स पीपल हैव हैड एक्सीलेंट आइडियाज़। सम ऑफ दीज आइडियाज़ हैव लेड टू न्यू इन्वेंशंस। इन्वेंशन हेल्प टू मेक लाइफ ईजियर। A tool to shift a heavy load, a simple machine to move a heavy load. बेटा, पहले भी लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते थे एक थिंग को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, या एक हैवी लोड उठाने के लिए लोगों के पास बहुत अच्छे आइडिया थे, और अब उन्हीं आइडियाज़ को लेकर इन्वेंशन बनाई गई हैं। ओके, इन्वेंशन जो होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी लाइफ को इजी करती हैं। ओके, सम ऑफ दीज आइडियाज़ हैव लेड टू न्यू इन्वेंशंस। ओके, उन्हीं चीज़ों से क्या होती हैं? इन्वेंशन होती हैं, और इन्वेंशन जो हैं वो हमारे काम को आसानी देती हैं। ओके, हमारा काम जल्दी से कर देती हैं। जैसे कि ये टूल है, ओके, ये टूल किस पे मदद दे रहा है? हैवी लोड को उठाने में। ओके, यहाँ पर भी एक सिंपल मशीन इन्होंने बनाई है। सिंपल मशीन जो है वो भी क्या कर रही हैं? एक हैवी लोड को उठाने में मदद दे रही हैं। ओके, स्टूडेंट्स, व्हेन वर्क बिकम्स टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू बाय आवरसेल्फ, वी यूज़ टूल और मशीन्स। मशीन हेल्प अस टू डू वर्क। सम मशीन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अदर इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क। सम मशीन हेल्प अस टू स्लो डाउन थिंग्स। देयर आर अ नंबर ऑफ सिंपल मशीन विच हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेटा, जब हमारे लिए कोई काम करना या किसी चीज़ को उठाना या हैवी लोड उठाना या एक चीज़ को दूसरी जगह शिफ्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं, और ये मशीन्स जो हैं ये मदद देती हैं हमें। किस चीज़ में मदद देती हैं? काम करने में मदद देती हैं, और इन मशीन्स के ज़रिए उन चीज़ों की डायरेक्शन चेंज होती है जब उन पे फोर्स लगती है, और काम की तेज़ी होती है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क, और काम जल्दी से हो जाता है। कुछ मशीन्स जो होती हैं
वो बहुत जल्दी से काम करती हैं और कुछ मशीन जो होती हैं वो स्लो डाउन होती हैं. सम मशीन इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क बट सम मशीन हेल्प अस टू स्लो डाउन. ओके, यहाँ पर बहुत सी सिंपल मशीन्स हैं जो डिफरेंट कामों में मदद देती हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न टू योर होमवर्क. नाउ टुडे इज योर होमवर्क इज रीड एंड अंडरस्टैंड बुक पेज नंबर 73. ओके बेटा, आपको बुक पेज नंबर 73 रीड करना है और इसको समझना है, और आपको यूनिट 8 के क्वेश्चन 1-3 मेमोराइज करने हैं. ओके, मेमोराइज क्वेश्चन 1-3 फ्रॉम यूनिट 8. ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.